मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। पूरे प्रदेश में जहां एक ओर पुलिस मंचलों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है और एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिस वाले पीड़ित और मंचलों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप एक नाबालिग ने लगाए हैं जो एक मंचले से परेशान है, जिसे इस कदर परेशान किया गया है कि अब उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। लेकिन पुलिस इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज ना करके उल्टा पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। कहा जाता है कि पुलिस लोगों को सुरक्षा देने का प्राथमिक माध्यम है, लेकिन जब पुलिस ही आरोपियों का साथ देने लगे तो कोई पीड़ित क्या करे। पुलिस पर यह संगीन आरोप लगाए हैं एक छोटी सी कक्षा 9 की बच्ची ने। ये मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज सिंह मजरे एकौना गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाली एक नाबालिग ने बताया कि अक्सर स्कूल जाते वक्त गांव का ही राहुल नाम का शख्स उसे परेशान करता है। आए दिन उसे कई तरह के कमेंट्स करता है, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। उसने कई बार राहुल को मना किया, लेकिन आरोपी ने उसकी बात नहीं सुनी और रोजाना उसे परेशान करता रहा। एक दिन राहुल ने उसका पीछा करते हुए नाबालिग के पास एक फोन फेंक दिया और उसे धमकी दी कि अगर पीड़िता ने उससे बात नहीं की तो इसका अंजाम बुरा होगा, वो उसे जान से मार देगा। पीड़िता सीधे अपने घर गई और उसने सारी घटना परिवार वालों को बताई, जिस पर परिवार ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत वो मोबाइल लिया और बच्ची को लेकर भदोखर थाने पहुंच गए। यहां परिवार ने वो मोबाइल जमा किया और शिकायत लिखने की बात कही, लेकिन पुलिस ने कोई भी मुकदमा नहीं लिखा, बल्कि सभी पर सुलह का दबाव बनाने लगे। हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज रास्ते में छेड़खानी कर जबरदस्ती मोबाइल देने की धमकी, मोबाइल मेरे पास फेंक के चले गए वो, और ये भी कहा कि अगले दिन फिर परेशान करेंगे। मोबाइल लेकर भदोखर थाने में जमा कर दिया, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लिखाई, मुकदमा लिखने, तो वहाँ पर जबरदस्ती सुलह होने को कह रहे हैं। जब थाने में शिकायत नहीं लिखी गई तो अब पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की मांग कर रहा है। पीड़ित की मां ने बताया कि जब वे मुकदमा लिखाने थाने गए थे तो पुलिस ने उन पर सुलह करने का दबाव बनाया, और जब परिवार नहीं माना तो पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में फेंकने की धमकी भी दी गई। बिटिया हमारी पढ़ने जाती है, वहाँ पे मतलब एक लड़का गाँव का है, वो छेड़छाड़ किया करता है, जबरदस्ती मोबाइल देता है, हाँ, और मार देने की मतलब धमकी देता वो, और हमारी बिटिया पढ़ने नहीं जा पा रही, इसी वजह से थाने में हमने तहरीर दी है और वहाँ हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है। थाने में कहा गया कि मतलब सुलहनामा के लिए ज़बरदस्ती हमें कहा गया है, हाँ, हमको खुद हमारे घर वालों को हमको भी कहते हैं, जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक पूरा थाना आरोपी पक्ष की ओर से कार्यवाही करना चाहता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। बच्ची और उसके परिवार का कहना है कि उन सभी को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिससे वो सभी डरे हुए हैं और घर में बंद रहने को मजबूर हैं। उन सभी को पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने जा करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये शिकायत दर्ज कराई है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक के साथ अनुराग मिश्रा ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।